पार्टी टोपी बदल देते। अरे बोले लगता बिक गया। बोले क्या बहुत से बोलते तराजू में तौल दिए। बोले इसमें बोले पहले इधर था टोपी बदल दिए। बोले लगता तराजू में तौल दिए, एक तरफ नोट रखे एक तरफ इसको बिठाए। बोले बदल दिए। बोले तो ऐसा करते दूसरे धमकी देते मारने की, ध्यान से मार दे। अब ये दोनों में फेल हो जाते तो तीसरा काम ये करते हैं, एक तो लालच देते हैं, दूसरे धमकी देते हैं, और तीसरे जो है उसकी जात को इतना मजरूह करते हैं, इतना उसको बदनाम करते हैं कि जितने लोग उनसे मोहब्बत करने वाले जुड़े वो सब उनसे बदगुमान हो जाए। क्या हो जाए? बदगुमान। ऐसे तो बगैर ताकत की हुकूमत, बगैर माल की इज्जत और बगैर पहचान के दोस्ती, जितने बैठे हैं एक दूसरे से मिलेंगे, चाय पानी करेंगे, बैठेंगे, अलग ये बात ऐसे है पहले हमने उनको देखा भी नहीं है ना, ना उन्हें हम ना उन्होंने हमको देखा, नाम सुने थे, आज मुलाकात हुई, तो ऐसा बैठ के बात करते जैसे बरसों के बिछड़े हुए दोस्त, बरसों के रिश्तेदार आज बैठ के बात कर रहे हैं खुशी खुशी। कोई पहचान नहीं, लेकिन ऐसा मिलजुल के रहते हैं जैसे बरसों की दोस्ती है, बड़ी रिश्तेदारी है। तो बगैर पहचान के दोस्ती, बगैर पहचान दोस्ती। हम लोग फीजी गए थे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, कोई दोस्ती नहीं थी, कोई पहचान नहीं, अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, पूरा कार्रवाई करके फिर गए कि अब तुम जाओ। तो कौन सी मोहब्बत है, कौन सा ताल्लुक है, ना कोई कारोबारी ताल्लुक, ना कोई खूनी रिश्ता। ये ईमानी रिश्ता ऐसा स्ट्रांग जो खूनी रिश्ते वाला भी छोड़ने नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला जो है बगैर पहचान की दोस्ती, चौथे बगैर किताबों के इल्म। फज्ल करीम जाहिल आदमी थे, पीने खाने वाले, पहले जब अल्लाह ने नवाजा तो ऐसा बयान करते थे, मैंने भी कई बयान सुना है, उलमा उनके बयान में होते थे। बल्कि एक मरतबा सहारनपुर के अंदर हज़रत शेख की खानकाह में आखिरी अशरे में बड़े बड़े उलमा आते थे, तो उस वक्त जो है मौलाना कारी तैय साहब जैसे मौजूद थे, सैयद अबुल हसन अली नदवी मौजूद थे, मौलाना मंजूर नुमानी मौजूद थे, और बयान इनका रखा गया। उनकी खानकाह बयान एक घंटा होता है, अभी भी होता है 11 से 12 सुबह। तो सूरह फातिहा पे बयान किया, सूरह फातिहा में, और ऐसा बयान किया कि मौलाना अली मियां और मौलाना कारी तैयब सब आपस में बात कर रहे थे। बयान के बाद कहा कि इस आदमी को इल्म लदुन्नी दिया गया है, इल्म वहबी दिया गया है, यानी ये बड़े बड़े उलमा अंकुश्त बदंदा हैरत में थे सूरह फातिहा में जब उन्होंने बयान। एक लफ्ज लेके चलते थे, कई बयान मैंने सुना, चार निकाह क्यों इस पे बयान किया। एक दफे फरमाया लाया और आया, इस पे बयान, इसमें पूरा बयान लाया और आया। नहीं समझे लाया, बारिश होती ना पहले बाल की टोपी पहनते थे यौले के लोग, काले बाल, वो माली टोपी बोलते। मैं भी पहनता था काली टोपी पहले, मालेगांव वाले पहनते बाल वाली, तो जब बारिश होती थी ना तो टोपी उतार के बगल में दबा के ऐसे भागते हुए जाते थे। तो टोपी लाया और सर आया, सर आया उसकी कदर नहीं, और टोपी लाया। ऐसे निकलने भी बयान की दफे निकला, निकलो बोले निकले बगैर काम होते ही नहीं है, लोग की समझ में नहीं आ रहा है, माँ के पेट से पेट बच्चा नहीं निकलेगा तो खुद मरेगा, माँ को मारेगा, जो खाया नहीं निकलेगा तो खुद मरेगा, है ना, और घर से नहीं निकलेगा तो निकलने भी पूरा बयान। तो ऐसा इल्म था कि वो जैसे कहां से आ रहे हैं, पूरी मस्जिद भर जाए। ऐसे कर्नल अमीरुद्दीन का बयान, दुनियावी दीनी एतबार से बहुत पढ़े लेकिन जाहिल ही समझो, लेकिन इनके बयान भी ऐसे होते थे कि मजमे का मजमा पलट जाता था। 5,000 आदमी उनके हाथ पर ईमान लाए अमरीका में, कर्नल अमीरुद्दीन 15,000 ईमान लाए, मियाँ जी अब्दुलरहमान 9 मुस्लिम, क्या जाहिल लोग। एक जाहिल आदमी बेचारा गया वहां हरियाणा हिमाचल सब बहुत इतदाद चल रहा था, बड़े बड़े उड़मा बहस मुबहसा करके थक के वापस आए थे, ये गया सबको जमा किया, बोले तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारी खतना हुई थी कि नहीं, बोले हुई थी, बोले वो खतना हमारी वापस करो फिर तुकाराम सकाराम पंथ।
नहीं तो तुम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान ही हो, तुम्हारी खतना हुई ना, बोले हाँ, बोले फिर तुम्हारी मुसलमानी हो चुकी, तुम मुसलमान है, हो ही नहीं सकते काफिर। हाँ बोले सही बोल रहे हैं आदमी, फिर बोले कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ा के भर भर के दिल्ली भेजा उसे, जितने मुर्तद हो गए थे हिमाचल में, ये ऐसे कुछ नहीं आता। हम उठे चार, जिसको 15,000 5,000 जिनको हम जाहिल कहेंगे, लेकिन कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला जो है वो बातें कहलवाता था इनसे कि किताबों में नहीं मिलती, बगैर किताब के इल्म, बगैर किताब के इल्म, और बगैर पहचान के दोस्ती, और बगैर माल के इज्जत, और बगैर ताकत के हुकूमत, ये चार चीज क्या है। खैर मैं तो कुछ और कहना चाहता था, पता नहीं किधर किधर चले गए, ईमान से बात चली थी। तो ईमान हमारा बढ़ता भी है घटता भी है, तो उसके बढ़ाने की मेहनत पे लगे रहना है, क्या करना है, जांचते रहना है। अच्छा, ईमान की अलामत के लिए किसी इबादत को नहीं कहा है, बल्कि तर्जमातुस्सुन्ना में हमारे क्या नाम है, बद्र आलम साहब मेरठी, मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी लिखते हैं कि अगर तुम नमाज पढ़ते पढ़ते तुम्हारी पेशानी पर निशान पड़ जाए, और रोजा रखते रखते कसरत रोजा के होठों पर पपड़ी आ जाए, तो ये ईमान के आला होने की अलामत नहीं। क्योंकि हदीस में कहा कि आला ईमान उन लोगों का है जो बुराई को होता हुए देखे और ताकत से रोक दे, ये आला दर्जे का ईमान उनका है। और दरमियानी दर्जे का ईमान उनका है जो जुबान से रोक, और कम दर्जे का ये कि दिल में बुरा सब। अगरचे ईमान की अलामतों में वो भी है, लेकिन आला ईमान की अलामत है। जैसे ईमान कुरान की तिलावत से भी बढ़ता है, नमाज से भी बढ़ता है, लेकिन दावत इल्लाह से जो बढ़ता है वो इबादत से वैसा नहीं बढ़ता। इनकार नहीं है, लेकिन दावत भी एक अमल है, क्योंकि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, इससे ज्यादा कुर्ब का कोई जरिया नहीं है। बंदे का अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का मिसाल भी देते हैं कि एक आदमी का बच्चा अगर गुम हो जाए, परेशान है कई दिन से, और किसी को मिल जाए, और जिसको मिल जाए उसको ला के पहुंचा दे, तो बोलेगा जा मत बैठ अभी, तो इतना खुश होगा वो, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इनाम भी देगा, खाना भी खिलाएगा, मोबाइल नंबर भी देगा कि जब कोई जरूरत हो तो मेरे को याद कर, तूने बहुत एहसान किया है कि मेरे बच्चे को पहुंचा दिया मुझ तक। तो अल्लाह इससे ज्यादा खुश होते हैं कि बंदे को गुमराही से निकाल के कोई यहाँ लेकर आ जाए, तो बंदा उस बंदे से बहुत खुश होते हैं जो बंदा उसको लेकर आए। मामूली काम नहीं, तकर्रुब इलल्लाह का सबसे बड़ा जरिया। और इससे बढ़ के क्या बात होगी, किसी अमल के बारे में 9 मरतबा आपने नहीं फरमाया, और 7 मरतबा तो मशहूर मारूफ है कि आपने 7 मरतबा फरमाया, बाद रिवायतों में 9 मरतबा कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, और आखिरी में कत्ल पर खत्म, ये नहीं कहा कि फिर जिंदा किया जाए, आखिरी में जो फरमाया 7वीं मरतबा, तो इस पर इख्तिताम किया कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए, यानी उसी पे मौत आए मेरी, उसके बाद फिर नहीं कहा जिंदा किया जाए 7 दिन। तो कितना अल्लाह के रास्ते में शहीद होना या जान देना अल्लाह को नबी को महबूब है। तो जान देने का वक्त आएगा तो जान भी देंगे हम, नहीं देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया, तो जितना वक्त है उतना तो दो ताकि आदत पड़ी रहे। क्योंकि ये तो इंतहाई जिहाद है, कताल इब्तदाई जिहाद तो दावत इल्लाह ही है ना भाई, कताल तो आखिरी में है, पहले दावत है। कहीं भी आप देख लो सहाबा की जिंदगी में, फिर वो कबूल ना करें तो फिर जिजिया है कि हमारी मानो, हमारे मातहत रहो, हुकूमत हमारी है, टैक्स दो, तुम्हारी इबादत हम करें, और इस पर भी राजी नहीं है तो 3 दिन का मौका दे देते, फौरन हमला नहीं करते, और खौस कर लो, फैसला करने में जल्दी मत करो, उसके बाद भी ना माने तो फिर जो है कैताल, और कैताल में भी पाबंदी थी, बच्चों पर हाथ नहीं उठाएंगे, औरतों पर, बूढ़ों पर, हाँ सब शरायत थी, 15 शर्तें जिहाद की कितनी, हाँ उसके बगैर एक मरतबा सहाबा की जमात ने ऐसा कर दिया कि वो शरायत पूरी नहीं की, तो यहाँ गैरों को भी मालूम था कि इन्होंने कानूनन गलत किया है, तो फिर खत लिखा तुमर को कि तुम्हारी फौज ने ऐसी गड़बड़ की है, तो जवाब दिया कि अगर तुमने ये जो खबर आई है सही है तो इलाका खाली कर दो, और जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई करो, और पीछे हट जाओ, तुम्हारी ये फतेह भी हार है, तुम्हारी ये फतेह भी हमारी, हमको फतेह और जीत से भी बाला तर कर दिया। फतेह उसे नहीं कहा गया जो ये है, बल्कि हुक्म पूरा करते हुए हुआ तो फतेह, वरना वो हार, वो जीत भी हार है, वो जीत भी।
और हुदैबिया में हार भी जीत है। हुदैबिया ने सुलह की कहा है फतेह मुबीन है कुरान में, ये तुम्हारी और दिख रहा है कि सब कॉम्प्रोमाइज ऐसा हो रहा है कि सब उनके फेवर में, लेकिन कहा जा रहा है फतेह मक्का का वो पेश कीमत है हुदैबिया। तो हमारे यहाँ पीछे हटना भी फतेह है, आगे बढ़ना ही फतेह, ऐसा नहीं बात जगह पीछे हटना। और आलिम ये फरमाते थे पीछे हटते जाओ पीछे हटते जाओ, यहाँ तक के सहाबा की सफों से मिल जाओ, फिर उन्होंने जो किया वो तुम करो, तो वैसे ही अल्लाह तुमको भी दुनिया में चमकाएगा और आखिरत में जैसे उनको चमकाया। पीछे हटते जाओ, दुनिया चांद पे जा रही मरीख पे जा रही, तुम उधर मत देखो, तुम पीछे हटो और सहाबा की सफ से मिल जाओ। और वो कहाँ से चले थे? ईमान बनाने की मेहनत से चले, नमाज बनाया, सिफात बनाई, और पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको गलबा अता फरमाया। जो न थे खुद राह पर दुनिया के रहबर बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो बस दोस्तों ईमान बनाना है। ईमान बनेगा कैसे बनेगा? हजरत मौलाना यूसुफ साहब के बयान में लिखा है कि दावत इल्लाह से ईमान बनेगा, और दावत इल्लाह में चार चीजों की दावत दे रहा है। कितनी चीजों की? अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले। अब एक पर बहुत सी दलीलें हैं जिसको हम बयान में बोल सकते। जैसे एक गुड़िया बोले मैंने अपने इस चरखे से पहचाना कि कायनात का मालिक एक है। बोले वो कैसे? बोले अगर दो बुढ़ी हम बैठ जाए, दो बुढ़िया एक उधर एक इधर है ना चरखा चलाने के लिए, तो एक कहेगी धीरे चला, एक कहेगी तेज चला, वो चलेगा नहीं वो चरखा, दोनों चलाए सही नहीं चले। एक से पहले क्या है? इमाम आजम ने भी समझाया, कोई बहस थी कि अल्लाह के वजूद के लिए, तो वो रात मुश्किल लेट पहुंचे और रास्ते में जब वहां पहुंचे बोले तुम इतने बड़े इमाम वक्तों की पाबंदी नहीं करते। अरे बोले मैं सही वक्त पे निकला, मगर हुआ ये ना कि एक अजीब चीज नजर आई। बोले क्या? बोले वो दरिया के किनारे जब मैं पहुंचा तो देखा कि दरख्त खुद ब खुद कट गया। फिर क्या हुआ? बोले उसके तख्ते बन गए, फिर बोले कश्ती बन गई। अरे बोले कैसी बात कहते हैं, ऐसा हो सकता है? बगैर कांटे खुद को खुद कर गया, बगैर किसी के बनाए बन गया। बोले वही तो हम भी बोल रहे हैं, ये कायनात बगैर किसी के बनाए बन गई क्या? वही बनाने वाला अल्लाह है। कुरान में आता है अगर दो खुदा होते तो लफसदता जमीन पे फसाद होता है। एक खुदा कहता है यौले वालों पे पानी बरसाओ, दूसरा बोलता है नहीं बहुत गुनहगार लोग है नहीं बरसाने का, एक बोलता नहीं अच्छे लोग भी है उसमें, दोनों झगड़ा कर तो यौले पे बारिश ही क्यों होती दो होते लफसदता। हाँ ऐसा हो जाता, एक बोलता उसको लड़की दे, एक बोलता नहीं बहुत दिन से रो रहा उसको लड़का दे, दो लड़की पहले दे चुके हैं अब लड़का ही छोड़ा उसको, नहीं बोले लड़की क्यों ना, दोनों झगड़ा करते दो खुदा होते। कोई औरत से ये पूछे तेरे कितने शौहर हैं, बोलो चप्पल दे के मारेगी नहीं मारेगी? औरत से ये सवाल करना तेरे कितने शौहर हैं तो गाली देने है उसको क्या है? अरे बोलो, हाँ आदमी से पूछ सकते कितनी बीवी है, दो भी हो सकती, तीन भी हो सकती और पांच भी हो सकती ना, नहीं ना चार क्या है? पांच क्यों? माता व लकु मिन निसा मसना व सुलासा व रुबा महीने सिर्फ तुम अल्लाह तादिलो, निकाह करो औरतों में से जो तुमको पसंद है, एक एक से, दो दो से, तीन तीन से, चार चार से। लेकिन आगे तुमको बताया डर है कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक से करो, किससे करो? एक से। तो एक के बारे में बहुत सी दलील है। इमाम राजी ने तो शैतान को 99 दलील दी थी अल्लाह के एक होने, कितनी? अल्लाह के एक होने, लेकिन एक बची थी, अगर वो भी काट देता शैतान तो इनका खतरा था ईमान के बगैर। हालांकि इमाम राजी है बहुत बड़े इमाम है, इल्म का समंदर। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा जो उनके शेख थे वजू कर रहे थे, उनपे कश्म हुआ कि मेरा एक मुरीद खतरे में है, तो वहीं से पानी फेंका और कहा कि नजमुद्दीन है हमने राजी कह दे बगैर दलील को मैं अल्लाह एक मान, बगैर दलील के अल्लाह को एक मान। तो अल्लाह की वहदानियत की बहुत सी दलील है। फिर कुदरत पे कहो कि अल्लाह कैसी कुदरत वाला है। इंसान जो अशफुल मखलूकात है, अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। अल्लाह ने ऐसी जगह बनाया इसको कि बहुत तंग जगह है, माँ का पेट, फिर उसमें बच्चा दानी, फिर उसमें
चिल्ली जिसमें बच्चा तैयार होता है, तीन अंधेरियों में तंग जगह बनाया है। हर चीज बनाने के लिए उजाला चाहिए, कुशादा जगह चाहिए, लेकिन अल्लाह की कुदरत। इसी तरह आप देखेंगे ये कुदरत है कि सबका चेहरा अलग है, सबकी आवाज अलग है, सबकी चाल अलग है ना, सबकी बनावट अलग है, सबकी हाथ की लकीरें अलग है और सबकी पसंद अलग है। ये जितने कलर पहने हैं, जितनी टोपी है, इनकी पसंद है। किसी की टोपी कैसी, किसी की कलर कैसा, है ना, ये सब पसंद है, च्वाइस है। ये क्या है, सबकी अलग अलग, सबकी आवाज अलग, ऐसी कुदरत अल्लाह की। बल्कि वो दो अभी हमारे साथ चल रहे, एक अजहर एक मजहर है, दोनों को पहचानना मुश्किल हो। आमिर साहब बोलते बोले मैं ना पहचानते, दोनों का नाम बोलता है, अजहर मजहर ऐसे बोलता है, जो भी होगा दोनों में एक रहता है, लेकिन दोनों बोले सेम दिखते, लेकिन बोले दोनों की औरतें पहचान लेती मेरा शौहर कौन है, दिखते एक जैसे, ऐसा अल्लाह की कुदरत है। तो मैंने भी कहा मैं भी पहचान लिया, मैं बहुत गौर किया, तो एक के नाक पे तिल है ना, वो है मजहर, और एक के नाक पे तिल नहीं है, वो है अजहर। तो मैंने फाइनल कर, बोले हाँ बराबर ये तुम सही पहचान, दोनों भाइयों से पूछा, हम दिखते सब एक जैसे, मैं बहुत गौर किया कि कैसे पहचान, ऐसे ये भी है जुड़वा। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि ये कुदरत पे कहो इस तरह का तस्करा, अल्लाह की बड़ाई को कहो कि अल्लाह कितने बड़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह पाक ये तो जमीन आसमान अगर तेरे नाफरमान हो जाए तो तू क्या करेगा, और सातों जमीन आसमान कितने बड़े हैं, 500 साल का फासला एक आसमान दूसरे आसमान का, और फिर मोटाई 500 साल कितना हो। कारी तैयब साहब का बयान हुआ था सिनात चौक में, जूना भट्टी मुन्नू मस्जिद के पास, मैं भी बयान में था, डायरेक्ट वाली बात ज्यादा बोलते हैं बुखारी मुस्लिम पर, बीच वाली रहती है जरा गड़बड़ रहती ना। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कायनात को कितनी बड़ी बनाया है, मिसाल से समझाया, बोले जमीन के मुकाबले में आसमान कितना बड़ा है, तो उसको समझाया कि जमीन पर एक अंगूठी का छल्ला अगर फेंक दिया जाए, बोलो तो अंगूठी कितनी छोटी है जमीन के मुकाबले में, अब कितनी अंगूठी सजाएंगे पूरी दुनिया में, तो उतना गुना बोलना पड़ेगा, अरबों खरबों जो भी, ये तो बहुत कम है अरबों खरबों, उसको बिछा दो और फिर गिनो, तो फिर ये बोलना पड़ेगा कि आसमान जमीन से इतने गुना बड़ा है। इन्हें हिसाब लगाने के लिए अंगूठी पूरी दुनिया में बिछा दो, अंगूठी गिन नहीं सकते कितनी, उतना गुना पड़ा। तो बोले ये इतनी छोटी है जमीन पहले आसमान के मुकाबले में, जैसे जमीन के मुकाबले में अंगूठी का, ऐसी समझाया। फिर बोले दूसरा आसमान इतना बड़ा है पहले आसमान के मुकाबले में कि पहले आसमान को दूसरे आसमान पे फेंक देंगे तो अंगूठी का छत्ता क्या है इतना बड़ा है दूसरा, बोले तीसरे पे दूसरे को फेंकेंगे तो ये दूसरा इतना छोटा है तीसरे के मुकाबले में कि अंगूठी का छत्ता, ऐसे सातों तक पहुंचाया। फिर बोले सातवां आसमान के मुकाबले में अर्श इतना बड़ा है अर्श, ये अर्श के मुकाबले में सातवां आसमान ऐसा है जैसे बहुत बड़े मैदान में एक बकरी का बच्चा बैठे, तो कितना बड़ा अर्श होगा, अर्श वाला कितना बड़ा होगा। समुंदर की लहरों पर अल्लाह का अर्श था 50,000 साल पहले, और एक एक लहर 500 साल की मसाफत के बराबर उठती थी, ऐसा समुंदर। मीकाइल इतना बड़ा फरिश्ता है कि उसके सर पर सातों समुंदर का पानी डाल देंगे तो एक कतरा भी कान तक बहकर नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम इतना बड़ा फरिश्ता है कि दो बाजू सिर्फ खोल दे तो मशरिक मगरिब को ढांप ले, 600 बाजू है। असली हालत में हो जिब्रील आ गए, शब्बीर भाई शब्बीर ना शब्बीर जिब्रील आ गए, तुम सो रहे थे सरा में पैर और अर्श मुअल्ला पर सर, इतना बड़ा, और उससे 12,000 गुना बड़ा है मीकाइल इब्राहिम से। अभी दरियाव किया गया है ब्लैक होल है आसमानों में, जितने चांद सितारे टूटते हैं वो सब ब्लैक होल में इन्हें कब्रस्तान है, सितारों का कब्रस्तान, और इतना बड़ा है कहकुशा, लाखों कहकुशाएं हैं, उसमें से एक छोटी सी हम है जिसमें हम चल रहे हैं, सूरज है, चांद है, अतारुद है, जोहरा है, मिर्रिख है, प्लूटो है, यूरेनस है, 9 सितारे हैं, ये सब मिला के एक कहकुशा।
इसी कितनी है रोशनी, एक सेकंड में 186,000 पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। बहुत से सितारों की रोशनी जब से बने अभी तक जमीन पर नहीं आई और रफ्तार 186,000 तब से दुनिया बनी। कितनी बड़ी कायनात, तो बनाने वाला कितना बड़ा। इब्राहिम एक मरतबा जन्नत में चले और उनकी परवाज का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक आए थे मौलाना पंडित नाम था उनका, नौ मुस्लिम थे हमारे बचपन में, माने गांव में बयान होता था। उनकी रफ्तार को बताया तो उन्होंने कहा तक सही है उसको सुन लो, बगैर सदे के भी हो सकती या सही भी हो सकती, गलत तो नहीं हो सकती। इसलिए कि जब यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों थे, यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डाला तो पहले रस्सी से उनको डोल में नीचे उतारा या बीच में आई तो उसको जो है रस्सी उतारा भी नहीं बल्कि वो उसमें रस्सी से बांध के उतारने की कोशिश कर रहे थे और रस्सी को ऐसे काटने वाले थे और कैंची लगा दी। फिर अल्लाह ने कहा इब्राहिम, बोले क्या, तो सातवां आसमान पे थे वहां तो ऐसे झांक के देखे, बोले वो रस्सी कटने से पहले जाके यूसुफ को नीचे से अपने पैरों पर ले, तो रस्सी कटने तक के वो आ गए, रस्सी कटी भी नहीं और नीचे पैरों पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठा दिया कि गिरने न पाए। रफ्तार हुई वो जन्नत में 40 साल तक उड़े तो ऐसा बताते हैं कि बोले एक कोना भी नहीं देखा उन्होंने जन्नत का, एक कोना भी, और ये रफ्तार। तो ये सबसे अंदाजा करो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की वहदानियत। दूसरी बात, ईमान को कमाल तक पहुंचाने के लिए फरमाया कि जहां से होता वो नजर आ रहा है उसकी नफी, उसकी नफी। जैसे दवाओं में शिफा, दरख्तों से फल का मिलना, जमीन से अनाज का या पेट्रोल का निकलना, जहां से जो भी होता हुआ वो सब की नफी, वहां नहीं है, अल्लाह के अम्र से हो रहा है। अगर दवा में शिफा होती तो जितने भी मरे हैं सब दवा खाते ही मरे ना, तो बोलो अच्छे हो जाते हैं अगर दवा में शिफा थी, कब्रस्तान क्यों जाए। मैं बोलता हूँ मालेगांव में 5 कब्रस्तान, नहीं मालूम है तो सुन लो, है एक बड़ा कब्रस्तान है बड़ा सोनापुर, दूसरा कब्रस्तान है आयशा नगर में, तीसरा कब्रस्तान है समकशेर में, चौथा कब्रस्तान है छोटा कब्रस्तान मुस्तफा मंज, पांचवा कब्रस्तान है लश्कर में, 5 कब्रस्तान सब में कब्रें हैं। तो ये सब मरे दवा खाते ही मरे, तो दवा में शिफा दे तो क्यों मरे, पता चला दवा में शिफा नहीं, अल्लाह चाहेंगे तो। अमेरिका में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था अभी होंगे पता नहीं, डॉक्टर अब्बास नाम था, स्टमक स्पेशलिस्ट थे और खुद उसकी बीमारी में बीमार, सबका इलाज कर, बोले कैसा है बीमारी भी अल्लाह ही देते हैं शिफा भी अल्लाह ही देते हैं, दरमियान में हम डॉक्टरों को कुछ दे दिला दे, बाकी बीमारी वही देता शिफा भी। बोले हम डॉक्टरों को RXM लिखते ना, उसका मतलब वही है वह शाफी, शिफा वो देता है, बीच में हमारा कुछ रोजी रोटी का हिसाब हो जाता। इसलिए जहां से होता वो था उसकी नफी। तीसरी नफी यह है कि माबूदा ने बातिल की नफी, अल्लाह के अलावा बहुत से लोगों ने अल्लाह के साथ ईसा अलैहि सलाम को, हुज़ैर अलैहि सलाम को, किसी ने सांप को, किसी ने दरख्त को अल्लाह के साथ खुदा बनाया हुआ है कि अल्लाह तो अल्लाह है लेकिन ये औलाद देने वाला खुदा है, ये बारिश बरसाने वाला खुदा है, और खुदा की खुदाई में ईसा अलैहि सलाम भी मुमकिन है और उज़ैर अलैहि सलाम भी दाखिल है, इब्राहिम भी, तस्लीस सिंह है, तीन खुदाओं को का तस्वूर है ईसाइयों और यहूदियों, क्या उज़ैर अलैहि सलाम को भी खुदा का बेटा बोलते हैं और उनको भी शरीक करते हैं खुदा की खुदाई में। बिरादरान वतन भी अल्लाह के साथ बोलते तो सभी है कि अल्लाह एक है, आपने पढ़ा होगा मराठी में परमात्मा ईश्वर, तो उसमें लिखा है ईश्वरा की शक्ति फार मोटी आए, कि कितनी मोटी आए अपना सांता इराम नहीं, सर्व वस्तु उत्पन्न के भी आए, आई थी कभी कैसा। और अंग्रेज कहता है गॉड, गॉड मेड द प्रिटी कलर, गॉड मेड द माउंटेन, गॉड मेड द मैन काइंड, सब अल्लाह ने बनाया है, क्या बोलते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, हम खुदा पर यकीन रखें, उनके डॉलर में लिखा है जी से जनरेटर है ना, जनरेट करने वाला, और ओ से ऑपरेट करने वाला, और टी से डिस्ट्रॉयड करना, ये फुल फॉर्म है उसका गॉड, जनरेटर जनरेट है बनाने वाला, ऑपरेट है चलाने वाला, और डिस्ट्रॉयड है खत्म करने वाला, कयामत
ये है असल में फुल फॉर्म। गॉड का फुल फॉर्म मालूम है क्या? अरे बोलो ना, अंग्रेजी बोलो तो पैसे देंगे पास भी क्या? जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। और ओके का फुल फॉर्म मालूम? ओके, बोलो यार भाई, ओके नहीं मालूम। ओके का फुल फॉर्म ये है, जितने पढ़े रहे देखे हैं बैठे ना बीए में, वो भी मुश्किल से बताए। उसका फुल फॉर्म ये है, अंग्रेज लोग से पूछ लेना, है ना, हम लोग तो सब लोग से मिलते रहते। बोले ऑब्जेक्शन किल्ड, क्या है ऑब्जेक्शन किल्ड, समझे? जैसे पीटीओ लिखते ना, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, निवारक पंटो। तो सेवा का एक इनकार, अल्लाह की सेवा। तीन नफी से ईमान कमाल को पहुंचेगा, लेकिन आधा ईमान अभी हुआ। माबूदाने बातिल की नफी एक, और जहां से होता हुआ था जरा उसकी नफी दो, और तीसरे पिछली कौमों के गलत यकीन के यकीन की नफी। किसी का यकीन अक्सरियत पर था, किसी का यकीन दौलत पर था, किसी का यकीन तिजारत पर था, किसी का यकीन ज़राअत पर था, किसी का यकीन ताकत कुव्वत पर था, किसी का यकीन बाजार पर था, किसी का यकीन तिजारत पर था, किसी का यकीन वजारत पर था। ये सब गलत यकीन। अगर सही यकीन होता तो हामान क्यों हलाक होता? सही यकीन होता तो हुकूमत वाले फिरौन नमरूद क्यों नाकाम होते? तिजारत में कामयाबी है तो कौमें शुएब क्यों नाकाम होती? ज़राअत में कामयाबी है तो कौमें सबा क्यों नाकाम होती? तो ये अल्लाह ने वाकयात बयान किए कि इनमें से किसी में कामयाबी नहीं है, ना अक्सरियत में, ना ताकत में, ना ज़राअत में, ना दौलत में, ना हुकूमत में, ना सलाहियत में, ना तिजारत में। कामयाबी तो दीन में है, इसमें है। और चौथी नफी, ये तीन का इनकार निस्फ ईमान है, और अपनी जात का इनकार मुझसे भी होगा जो अल्लाह चाहे, मेरी दुकान से, मेरी खेती से, मेरी डिग्री से। क्योंकि तीन का इनकार कुर्सी पे बैठ के करना आसान है, किसी से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी दुकान से भी कुछ नहीं होता, मेरी खेती से कुछ नहीं होता, मेरी जात से कुछ, ये कहना मुश्किल है। जब अभी पता चल जाएगा, जब बोलेंगे ना, बोलो कौन सा आदमी ना तैयार है, तो बोले मेरे बगैर कैसे करेंगे? ठीक है, अल्लाह तो करते हैं, मगर मेरी दुकान के लिए गए, मेरी नौकरी के लिए गए, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु यही है, मैं का खाना खाने, इसी एक के काम ना आया जज्बे अना, कितने पना हो गए और कितने हराक हो। अना रब्बुकुम अला बोलने वाले सब फना। तो ये आना जल्दी निकलता नहीं, आना बहुत टेस्टी है। उब्बे जा, उब्बे मां से ज्यादा खतरनाक, उब्बे मां से ज्यादा, उब्बे जा। मैं भी कुछ हूँ, शैतान नहीं मारा गया ना, बोलते हैं कि पना का मारा जन्नत में जाएगा, नफ्स का मारा जहन्नम में जाएगा। और नफ्स जो है ये तकब्बुर, इसके अंदर जल्दी निकलता नहीं है, तकब्बुर बड़ी बीमारी, किब्र बड़ी बीमारी। तो ये चार चीज़ों की नफी करना पड़ेगी, माबूदा ने बातिल की, जहाँ से होता वो नजर आ रहा है उसकी, और पिछली कौमों के गलत यकीन, और चौथे अपनी जान, तब बनेगा। इसके लिए ये सारी मेहनत है दोस्तों, असल सरमाया ईमान का है। इसलिए दुनिया की जिंदगी बनाने के लिए मना नहीं किया गया है, आप अच्छे बंगले में रहो इजाजत है, अच्छा खाओ इजाजत है, अच्छा पहनो, अल्लाह ने दिया है तो अच्छा पहनो। बल्कि इमाम आजम 1000 रुपये का जोड़ा पहनते थे उस जमाने में, जबकि 1000 का जोड़े की कीमत आज के हिसाब से 1,00,000 बन सकती। कितनी? 1,00,000 का जोड़ा बोले तो तुम्हारी पैठनी साड़ी वगैरह कैसी है, कई लाख की रहती है।